हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं अनुपात और समानुपात। ठीक है ना, तो मैथ जो होता है उसमें साइन चलता है। ठीक है ना, तो साइन यानी अनुपात को कैसे दिखाते हैं, एक डॉट ऊपर और एक डॉट नीचे। ठीक है ना, और समानुपात यानी प्रोपोर्शन को कैसे दिखाते हैं, डबल डॉट रहता है। ठीक है ना, अनुपात का मतलब बटा भी होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर कहीं लिखा है 6:2, क्या लिखा है 6:2, तो इसका मतलब हुआ 6:2 का मतलब क्या, बटा 2, तो कितना हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऐसे कि मान लीजिए लिखा है 8:4। ठीक है ना, 8:4 का मतलब और नीचे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सही बात है, तो रेशियो का मतलब क्या होता है, अनुपात, अनुपात यानी बटा। ठीक है ना, अब हम लोग देखते हैं कि समानुपात यानी प्रोपोर्शन क्या होता है। ठीक है, तो प्रोपोर्शन क्या होता है, तो जब दो अनुपात बराबर होते हैं, जब दो अनुपात क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो वही क्या होता है, प्रोपोर्शन होता है। जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 2:4, देखिए यहाँ बीच में बच्चों आप लोग दिख रहा है ना, प्रोपोर्शन लगा हुआ है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, प्रोपोर्शन समानुपात लगा कि नहीं लगा है। तो समानुपात कब लगेगा, जब ये दोनों रेशियो आपस में क्या होंगे, यह वाला रेशियो और यह वाला रेशियो आपस में क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे यानी बराबर होंगे। अब आप लोग कहोगे सर बराबर तो दिख नहीं रहा हमको, यहाँ पे 2:4 है, यहाँ पे 8:16, बराबर नहीं दिख रहा है। तो बराबर देखिए कैसे दिखेगा, जब इसको कट करेंगे तो कट कर लीजिए, इसको कट कर लीजिए, कितना आ जाएगा, दोनों किससे कटेगा, दोनों 2 से कटेगा ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। और यहाँ पे प्रोपोर्शन, ये दोनों किससे कटेगा, 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 8 1 जा 8 और 16 कितनी बार में कटेगा, 8 2 जा, आप लोग दिख रहा होगा जितना यह है उतना ही क्या है, तो दोनों रेशियो इक्वल है कि नहीं है। इधर भी 1:2 है और इधर भी क्या है, 1:2 है, यानी दोनों क्या है आपस में प्रोपोर्शन है। ठीक है, अब बच्चों हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है। ठीक है, यह रेशियो का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यह रेशियो का इसको देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया है 5:10 और फिर यहाँ कितना दे दिया प्रोपोर्शन 6:13। ठीक है ना, तो आपसे क्या कह रहा है कि x का वैल्यू निकालिए, आखिर में यहाँ पे कुछ ना कुछ x का वैल्यू होगा कि नहीं होगा, तो हमको इसी x का क्या करना है, वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। ठीक है ना, मैं दोनों तरीके बता दे रहा हूँ आप लोगों को। पहला तरीका क्या है, फर्स्ट रूल क्या है बच्चों, कि आप लोगों को अभी मैं क्या बताया हूँ कि रेशियो का मतलब क्या होता है, बटा 5/10 और प्रोपोर्शन एक्स, और यहाँ पे रेशियो का मतलब क्या हुआ, ये हुआ ना। तो फिर क्या करते हैं, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका इसमें और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी इसका किसमें गुणा करेंगे, इसमें, इसका किसमें करेंगे, इसमें, तो और इसका किसमें करेंगे बच्चों, इसमें। तो 10 का एक्स में कितना आ जाएगा, 10x और इक्वल 30 का 5 में कितना आ जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे एक्स इक्वल टू बच्चों 150, और यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई है ना, इधर क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 0 0 कट गया, x का वैल्यू कितना आ गया, 15 आ गया। ठीक है, और इसी को हम दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मतलब जल्दी से जल्दी, इतना तो लॉन्ग मेथड हो गया, शॉर्ट में कैसे करेंगे, हम लोग देखते हैं सेकेंड रूल। कौन सा रूल, सेकेंड रूल, मान लीजिए क्वेश्चन कितना था 5:10 प्रोपोर्शन x:30, तो इसको वैसे ना करके आप सीधे क्या कर सकते हैं, अंदर वाले का अंदर में गुणा, ठीक है बच्चों, और बाहर वाले का बाहर में गुणा। ठीक है ना, तो यहाँ पे 10 के x में कितना हो जाएगा, 10x और 5 का 30 में 0 0, यहाँ भी काट सकते हैं आगे, और नहीं तो उसको ऐसे भी कर सकते हैं, इधर क्या है मल्टीप्लाई है, इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, कितना आ गया। तो दोनों तरीके हैं आपके पास, जैसे आप लोग मर्जी वैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों हम लोग देखते हैं अगले टाइप का क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन दिया रहा है ए रेशियो बी इक्वल टू 2:4, बी रेशियो सी इक्वल टू 12:16, तो फिर पूछेगा ए रेशियो बी रेशियो सी निकालिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं आज हम लोग सीखेंगे। तो इसके भी दो तरीके हैं। ठीक है, मैं पहले लॉन्ग तरीका बताऊंगा, फिर शॉर्ट रूल बताऊंगा। तो फर्स्ट रूल देखते हैं बच्चों, हमको क्या दे दिया है, हमारे पास क्या दे दिया, ए रेशियो बी ना, ए रेशियो बी का मतलब हुआ क्या, ए बाई बी तो हुआ, यही हुआ ना, और फिर यहाँ कितना है बी रेशियो सी, बी रेशियो सी का मतलब कितना। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है,
ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है ना, तो पहले आप ये देख लीजिए तो सी का वैल्यू चाहिए कि नहीं चाहिए आपको, सी का वैल्यू चाहिए ना, तभी ना इसमें भरेंगे। तो सी का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे पहले इस क्वेश्चन को ऐसे कर लेते हैं हम लोग, एक मिनट, पहले सिर्फ ए रेशियो सी सीखिए आप लोग, ए रेशियो सी कैसे निकाला जाता है, उसके बाद हम लोग अभी इसी क्वेश्चन में आगे उसको देखेंगे। तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को, इस दोनों इक्वेशन को, फ्रैक्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं, दो फ्रैक्शन है ना, इस दोनों फ्रैक्शन क्या कर सकते हैं हम लोग, अगर मल्टीप्लाई कर दें क्या कर दो बाबू, तो यहाँ बी से भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ऊपर बचा ए या नीचे क्या बचा, यानी ए ए बाई सी का मतलब क्या हुआ, ए रेशियो सी तो हुआ, और हमको यही निकालना था, ये निकालना था ना, तो ए रेशियो सी निकालना क्या करेंगे, इन दोनों रेशियो का कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई, दोनों रेशियो का कर देंगे, समझ रहे हैं ना आप लोग को, यानी इधर हम लोग देखते हैं तो फर्स्ट रेशियो ए रेशियो बी का वैल्यू कितना दे रखा है, 2/4, ठीक है, और यहाँ पे इनटू कितना था, बी बी रेशियो सी था ना, तो बी रेशियो सी का वैल्यू कितना है, 12/, इतना समझ में आ रहा सबको, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, कट जाएगा तो काट लीजिए 8/ में, और यहाँ 4 से 3/ में, तो ऊपर कितना बचा, 3, और नीचे कितना बचा, 8, यानी ए बाई सी को हम लोग ए रेशियो सी भी लिख सकते हैं, और इक्वल टू 3/8 क्या लिख सकते हैं, 3 रेशियो, ऐसे हमारा क्या निकलता है, ए रेशियो सी निकल गया 3:8, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, अब हम लोग देखते हैं बच्चों ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो ए रेशियो बी दे दिया है, हम लोग पिछले वीडियो में क्या देखे हैं, पिछले क्वेश्चन में, कि ए रेशियो बी और बी रेशियो सी दिया था ना, हम लोग क्या निकाले हैं, ए रेशियो सी निकाले हैं, लेकिन इसमें क्या निकालेंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ ध्यान से पहले इसमें देख लीजिए, ए रेशियो बी, ठीक है ना, और जब भी ऐसा क्वेश्चन दे कि ए रेशियो बी रेशियो सी तीनों मतलब लाइनेज दे, आप लोग यहाँ पर दिख रहा होगा कि बी कॉमन है, बी क्या है दोनों में, यानी ए रेशियो बी फिर कितना, बी रेशियो सी, ये निकाला है ना बच्चों, इसका रूल होता है कि एक नीचे खाली है ना, यहाँ क्या है, तो यहाँ पे जो रहे इसी को आगे क्या कर लेंगे, बढ़ा लेंगे, इसी बी को क्या कर लेंगे, आगे बढ़ा लेंगे, और इधर बी है ना, तो इसी बी को क्या करेंगे, इधर आगे बढ़ा लेंगे, जैसे हम लोग क्वेश्चन से समझते हैं, यहाँ देखिए क्वेश्चन कितना है, 5:10, क्वेश्चन कितना है, 5:10, और यहाँ पे नीचे कितना है, 20:40, ये है ना बच्चों। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी मैं क्या बता रहा था, बी को बढ़ा लेंगे, नहीं कितना है, 20 है ना, हम लोग 20 क्या कर लेंगे, यहाँ 20 इधर भी खाली है तो क्या कर लेंगे, 20 लिख देंगे, क्या लिख देंगे, और यहाँ 10 है ना, यार ठीक है बच्चों आप लोग को यही जानना है, और यहाँ पर 10 है तो यहाँ पे इसको 10 को क्या कर लेंगे, बढ़ा के यहाँ पे लिख देंगे, यानी 10, समझ आ रहा है, जो खाली जगह रहेगा उसके उसको उसके आगे वाले को भर देंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे खाली था, यहाँ पे क्या था, तो इस 20 को हम लोग क्या कर दिया, आगे कर दिए, यहाँ पे 10 नहीं था, इस 10 को हम लोग क्या कर दिए, आगे कर दिए, समझ आ रहा है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई क्या करते हैं, 20 के 5 में 100, फिर यहाँ पे इसका इसमें कितना आ जाएगा, इसका इसमें, ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे 2 0 2 0 सब क्या आ जाएगा, बढ़ जाएगा, यहाँ कितना बचा हुआ, 1:2:4, यानी कितना आएगा, अगर निकाला जाए ए रेशियो बी रेशियो सी निकाला जाए तो बच्चों कितना आएगा, 1:2:4, ये हमारा क्या आ जाएगा, ऐसे बस आप लोग यही बात सीखना है ना, कि यहाँ पे जो भी नंबर रहेगा इसको आगे बढ़ा लेंगे, और जो यहाँ पर रहेगा उसको क्या करेंगे, उसी को आगे लिख देंगे, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग पिछला क्वेश्चन किया है ना, सेम ऐसे ही करना है, हमको क्या दिया है, ए रेशियो बी दे दिया है, बी रेशियो सी दे दिया है, तो ए बी सी पूछ रहा है, हम अभी आपसे क्या बताया है, यहाँ पर बी यहाँ भी और यहाँ भी दोनों जगह कॉमन लिख रहा है, दिख रहा है, यानी आप लोग क्या करना है कि ए रेशियो बी ऊपर लिख लेना है, ठीक है ना, और बी रेशियो सी क्या करना है, नीचे, और हमें क्या बताया, इधर वाला अंक जो इधर रहेगा इसी को आगे भी लिख देंगे, और जो यहाँ रहेगा इसी क्या कर देंगे, आगे लिख देंगे, यानी हम इस क्वेश्चन से देखते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2:3 है ना, कितना है, ठीक है, और यहाँ पे कितना है, 8:12, ये है ना। अब यहाँ हम अभी क्या सीख रहे हैं, 3 है ना, इसी आगे इसके आगे जो जगह खाली है इसी अंक को आगे लिख देंगे, ठीक है, और यहाँ पे 8 है तो इसी 8 क्या कर देंगे, इसको लगाने का और भी तरीका है, लेकिन यही सबसे शॉर्ट शॉर्ट तरीका है, ठीक है ना, इससे शॉर्ट तरीका नहीं है। तो यहाँ पे आप सबका क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई क्या कर लेंगे, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24,
ट्वेल्व थ्री जा, अब देखिए तीनों तीनों के एक ही नंबर से कट करेंगे, ठीक है, तीनों क्या करेंगे एक ही नंबर से कट करेंगे, तीनों किस नंबर से कट हो रहा है देखिए आप लोग, फोर से भी कट हो जाएगा ना, फोर से कितनी बार कटेगा, फोर बार में, या और यह ठीक है, और किसी नंबर से कटेगा या नहीं कटेगा, यह दोनों दो से कटेगा लेकिन यह दो से नहीं कटेगा, यह दोनों थ्री से कटेगा लेकिन यह नहीं कटेगा, अब एक ही नंबर से तीनों नहीं कट रहा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों यहीं पे छोड़ देंगे, यानी हमारा ए रेशियो बी रेशियो सी का वैल्यू कितना आ गया, फोर रेशियो सिक्स रेशियो नाइन। अब बच्चों हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, आप लोग यह क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्या क्वेश्चन कह रहा है, एक्सप्रेस द गिवन रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, आप लोग क्या करना है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या करना है, चेंज कर देना है, ठीक है। तो यह आप लोग मंथ में दिख रहा होगा, किसमें दिख रहा है, मंथ में, और यह किसमें दिख रहा है, ईयर में, यानी यह महीने में और किसमें है, साल में, तो कभी भी चेंज, कभी सिंपलेस्ट फॉर्म दे दे चेंज करने के लिए, तो आपको मंथ को और ईयर को दोनों को सेम करना पड़ेगा, या तो इस मंथ है तो इधर भी मंथ कर लीजिए, या तो यहाँ ईयर यानी साल है तो यहाँ भी क्या कर लीजिए, साल कर लीजिए, ठीक है। तो किसको चेंज कर ले, आप लोग पता है ना बच्चों, सिक्स मंथ मतलब कितना, आधा साल ही तो हुआ, बारह महीना मतलब पूरा साल, सिक्स मंथ मतलब, तो या तो आप इसको चेंज कर लीजिए या फिर इसको चेंज कर लीजिए, तो हम इसको इसको ही चेंज करते हैं, सिक्स मंथ रहने दीजिए क्योंकि इसको चेंज करना तो आसान है, इसको भारी, इसको टू बन जा टू, या फिर ऐसे देख लीजिए यू वन है ना आगे एक साल, और यह वन बाई टू मतलब आधा साल, एक साल और आधा साल, एक साल में कितना महीना, बारह महीना, एक साल में कितना महीना, और आधा में इसमें आधा में कितना, छह महीना, तो बारह और छह अठारह मंथ, सुना रहे ना, अब इधर भी मंथ और इधर भी मंथ, दो तरफ मंथ मंथ हो गया कि नहीं हो गया। अब इसको सिंपलेस्ट कैसे करेंगे, दोनों के कई नंबर से काटना है, दोनों छह से कटेगा ना, सिक्स से, सिक्स वन या सिक्स, सिक्स थ्री या एटीन, यही हमारा क्या हो जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों हम लोग अगला क्वेश्चन, अब बच्चों हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, जिसमें लिखा है डिवाइड 270 इन द रेशियो, यानी 270 रुपए है, कितने रुपए है, ऐसे सोचो कि 270 रुपए है हमारे पास और हमको तीन लड़कों में बांटना है, कितने लड़कों में बांटना है, तीन लड़कों में, एक को एक रेशियो देना है, एक को दो रेशियो देना है, कितना रेशियो देना है, तीन रेशियो, समझा रहे हैं, तो तीन लड़कों में बांटना है, तो हम लोग ना जब भी रेशियो का क्वेश्चन दे बच्चों तो यक्स लगा लेते हैं, क्या लगा लेते हैं, यक्स मान के ही सोल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वन, वन का मतलब वन यक्स, तो यक्स पे लिखेंगे नहीं, फिर यहाँ कितना टू यक्स और यहाँ पे थ्री यक्स, और टोटल रुपया जो किसके बराबर है, टोटल रुपया किसके बराबर है, ठीक है, और यहाँ पे थ्री और टू फाइव और वन बराबर कितना 270, अब आगे कितना हो जाएगा, भाई गुणा है ना, इधर क्या जाएगा भाग, तो कितनी मन कटेगा 24, तीन छः पच्चीस 30, 45 रुपये ना, यानी एक एक यक्स का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 45, 45 आ गया ना। अब बांटते कैसे आप लोग यह सीखिए, ठीक है, तो रेशियो में कैसे बांटा जाता है आप लोग ये ध्यान से देखिए, पहला कितना था यक्स, कितना था बच्चों, यानी यक्स का तो वैल्यू ही था, एक को 45 रुपये देंगे, एक को कितना देंगे, सेकेंड कितना था टू यक्स, कितना था टू यक्स, यानी टू इन टू यक्स का वैल्यू कितना है 45, यानी कितना 90, दूसरे कितने रुपए देंगे 90 रुपए, और तीसरा क्या था बच्चों हमारे पास थ्री था ना, यानी थ्री यक्स था ही ना, तो थ्री यक्स का मतलब थ्री इन टू यक्स का वैल्यू कितना है, कितना आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा था कि 270 रुपये को किस अनुपात में बांटिए, वन रेशियो टू रेशियो थ्री के रेशियो में ना, यानी एक को एक दीजिए, एक को उसके दो गुना दीजिए और एक को क्या कीजिए उसके तीन गुना दीजिए, तो देखिए एक को 45 दिए, दूसरे को इसका दो गुना 90 दिए, और तीसरे को इसका क्या दिए तीन गुना दिए कि नहीं दिए, देखिए इसका तीन गुना है कि नहीं है, तो ऐसे रेशियो क्वेश्चन क्या किया जाता है, यक्स लगा के कभी भी सॉल्व कर लिया जाता है, ठीक है। अब बच्चों हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, अब हम लोग देखते हैं कि वन रेशियो फोर रेशियो फाइव को किसमें बांटना है, मतलब 270 रुपए है हमारे पास, 270 रुपीज है, इसको किसमें बांटना है, वन रेशियो फोर रेशियो फाइव के रेशियो में बांटना है, ठीक है ना। तो कैसे बांटेंगे हम अभी क्या आप लोग सिखाएंगे, जब भी रेशियो वाला क्वेश्चन दे तो आप लोग क्या करना है बच्चों, एक्स लगा लेना है, ये कुछ नहीं एक्स ही लगा लेंगे, मतलब कोई भी
अलजेब्रिक नंबर लगा लेंगे, आप यक्सी कर इसको दे थोड़ी कि यक्सी लगा लेंगे, आप यहाँ पे ए बी सी डी कुछ भी लगा सकते हैं ठीक है। मैं आप लोगों को ए सोल्व कर ए लगा के सोल्व कर दे रहा हूँ ठीक है, यानी कि यक्सी लगाएंगे तो ये वन है ना, तो वन है तो वन तो लिखते नहीं है, वन छुपा हुआ है यहाँ पे ठीक है बच्चों। और यहाँ पे फोर ए प्लस फाइव ए, तीनों रुपए जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा, 270 के क्या होगा। जैसे कहने का मतलब है मान लीजिए कि 30 रुपए है, कितने रुपए है 30 रुपए, कितने रुपए है तो तीन लोगों में बांट दिए, 30 रुपए कितने लोगों में बांट दिए, तीन तीन लोगों में 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए तीनों को दे दिए, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 30 ही होगा ना। सेम ऐसे ही है, अगर 270 रुपए को हम तीन लोगों में बांट रहे हैं तो तीनों को जोड़ेंगे तो भले ही एक को कम दिए एक को ज्यादा दिए उससे मतलब नहीं है, लेकिन जब हाँ लेकिन लेकिन जब तीनों को जोड़ लेंगे तो कितना आएगा, 270 आएगा कि नहीं आएगा, इसके लिए ऐड कर रहे हैं ठीक है। अब यहाँ देखिए 5 और 4 9 और 1 10 इक्वल टू 270। अभी आप लोग मैं सिखाया कि यहाँ पे 0 0 कट कर सकते हैं आप ठीक है ना, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को नहीं समझ में आएगा, इसके लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 0 क्या हो गया कट गया, यहाँ पे ए इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 27। अभी आप लोग का आंसर नहीं आया, अभी तो सिर्फ ये पता चला कि ए का वैल्यू कितना है, अब हमको क्या करना है तीनों में बांटना है ना, तो देखिए कैसे बांटते हैं। फर्स्ट वाले को कितना देंगे ए है ना, ए यानी कितना 27 रुपये देंगे ठीक है ना। बी वाले को कितना देना है, दो चार गुना देना है, यानी कितना ए का चार गुना देना है ना, यानी 4a, तो 4a का मतलब 4 into a का मतलब कितना 27 ना, कितना हो जाएगा 108। फिर एक तीसरा वाला कितना देना है 5a, यानी 5 गुना देना है, कितना देना है ए का 5 गुना देना है, 5 into कितना बच्चों 27 कितना हो जाएगा ठीक है। अब बच्चों हम लोग देखते हैं ना कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है ठीक है। तो क्वेश्चन पहले समझिए आप लोग ना, पहले सबसे जरूरी है कि जो इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा है इसको आप लोग हिंदी निकालना सीखिए, जब तक आप लोग से हिंदी निकलेगा नहीं तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा ठीक है। तो कह रहा है टू नंबर्स यानी दो नंबर है, टू नंबर आर द रेशियो कितना दिया है 7:4, यानी दो नंबर क्या किया है 7:4 में दिया है, और कह रहा है इफ देयर सम और उनका सम यानी जोड़ कितना है इज 55 कितना है, यानी दो नंबर्स को जोड़ा जाए तो उनका योग कितना आना चाहिए 55 आना चाहिए। तो कह रहा है फाइंड द नंबर्स, वो नंबर बताइए ठीक है, तो नंबर्स कौन से होंगे यही बताना है। तो अभी हम आप लोग क्या बताए, जो भी रेशियो दिया है इसको क्या करेंगे एक्स वाई जेड लगा क्या कर लेंगे लिख लेंगे। तो यहाँ पे कितना है 7:4 है ना, यानी ये कितना है 7x और ये कितना है 4x ठीक है बच्चो। और कह रहा है कि इनका सम, इनका क्या सम, तो सम यानी क्या जोड़ ना, दोनों नंबर को क्या करना है जोड़ करना है यानी ऐड करना है, तो दोनों ऐड किसके बराबर है ये इतना समझ आ रहा सबको। अब यहाँ पे देखिए 7 और 4 कितना होता है 11x और यहाँ पे कितना 55 ठीक है। और यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, इधर जा क्या हो जाएगा, यह मल्टीप्लाई इधर जा क्या हो जाएगा डिवाइड, एक्स इक्वल कितना हो जाएगा 5। अब हम लोग को नंबर बताना है ना, तो नंबर कैसे पता चलेगा, अभी यही नहीं हो गया आप लोग लग रहे पेपर में जल्दी जल्दी यही मत छोड़ देना ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे बांटना है ना इसको हमको, तो पहले कितना देना था 7x कितना देना था यानी कितना 7 into कितना 5 ना, यानी एक नंबर 35 है और दूसरा नंबर कितना है 4x था ना, तो 4x यानी एक नंबर 35 था, दूसरे नंबर क्या था 20 था, आप लोग दोनों जोड़ के देख लीजिए 35 और 20 कितना जाएगा 55 आएगा कि नहीं आएगा, यानी दोनों नंबर क्या था 35 20। अब बच्चों लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, अब देखते हैं इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। तो कह रहा है थ्री नंबर्स, कितने नंबर्स हैं 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3:6 इफ देयर सम इज 121 फाइंड द नंबर्स ठीक है। तीन नंबर्स हैं बच्चों, 2 है 2:3:6 के अनुपात में है, आप लोग कभी भी मत सोचिएगा ना कि नंबर्स हैं, ये नंबर्स नहीं है, ये नंबर्स के अनुपात है यानी नंबर्स के रेशियो है ठीक है ना। तो आप लोग इसी को मत समझ लीजिए कि यही नंबर्स है, अगर यही नंबर्स होंगे तो 2 और 3 5 और 5 और 6 11 तो इनको तो जोड़ने पीछे आ रहा है, आइए कह रहा है कि उनका सम कितना है 121 है, यानी ये नंबर्स नहीं है, ये नंबर्स का क्या है रेशियो है, समझ आ रहा है। नंबर्स कैसे निकालेंगे, फाइंड द नंबर्स कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए अभी क्या बताया, जो भी रेशियो दिया है उसे क्या करते हैं जोड़ लीजिए, तो 3 या 2
तो क्या होता है, यक्ष बना लीजिए, ऐसे आसानी रहता है, ठीक है, मतलब आप लोगों को गलती होने का चांस ही नहीं रहता है। तीनों जोड़ेंगे तुम्हारा 21 बराबर आएगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11x इक्वल टू कितना, ठीक है, अब यहाँ पे x इक्वल टू 121, ये मल्टीप्लाई यानी जरा क्या हो जाएगा, कितनी बार कटेगा, 11 बार में। अभी भी यह बार बार मैं कह रहा हूँ कि x का वैल्यू पे सो नहीं छोड़ना है आपको, नंबर्स लाने हैं। तो नंबर्स कैसे आते हैं, जो जो भी यहाँ पे वैल्यू आता है x का, इसका जब आप रेशियो में मल्टीप्लाई कर देंगे, रेशियो में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तब तो नंबर्स मिलते हैं, ठीक है। यानी जो हमारा फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर है बच्चों कितना है, इसके इसमें गुणा कीजिए, मतलब 2x था ना, कितना था 2x, यानी 2 × x का वैल्यू कितना है, ठीक है। सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा सेकेंड नंबर कितना था, 3x था ना, तो 3 और x का वैल्यू कितना है 11, कितना आ जाएगा 33। और हमारा थर्ड नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, कितना था 6x, तो 6 × कितना है x का वैल्यू। तो यह जो नंबर आ रहे हैं बच्चों लो, हमारा यह नंबर से तीनों नंबर आप लोग तीनों ऐड करके देख लीजिएगा, 22, 33 और 66 जोड़ के देख लीजिए कितना आ जाएगा, 121 आ जाएगा, ठीक है। तो यह नंबर है,